नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में या कीट नियंत्रण के बारे में, और इंसेक्ट कंट्रोल के लिए कौन कौन सी मेथड यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती है उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, और उन मेथड्स के अंदर कौन कौन सी टेक्निक वो यूज़ करते हैं और किस प्रकार से कीटों का कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्यतः 5 प्रकार की ऐसी विधियाँ हैं जो कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। एक का नाम होता है कल्चरल यानी कि कृषिगत विधियाँ, एक होती है फिजिकल यानी कि भौतिक विधियाँ, एक मैकेनिकल या यांत्रिक विधियाँ, एक है बायोलॉजिकल यानी कि जैविक विधियाँ, और एक केमिकल यानी कि रासायनिक विधियाँ। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो इस्तेमाल में लाई जाती है वो होती है रासायनिक विधि, लेकिन ये चूँकि सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कई प्रकार से रसायन जो होते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर तमाम प्रकार की जो विधियां हैं ये हमें भी आज पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो कल्चरल मेथड है कृषि से संबंधित विधियां, तो यहाँ पर कृषि कार्य में और फसल चक्र की जो पद्धति होती है, फसल चक्र में फसल को लगाने का जो हमारा सिस्टम है, अलग अलग प्रकार की जो वेराइटियाँ हैं, टिलेज के जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, इनमें चेंजेस करके, इनके तरीकों में बदलाव करके जब हम कीटों का कंट्रोल करते हैं, तो कल्चरल एक्टिविटीज या कृषिगत विधियों में परिवर्तन करके जब हम कीटों का नियंत्रण करेंगे तो वो कल्चरल मेथड्स कहलाएगी। और कल्चरल मेथड्स के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो नंबर एक क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र में परिवर्तन कर देंगे। फसल का जो लगाने का जो हमारा पैटर्न होता है उसमें अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो फसल चक्र को बदल करके हम लोग कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक ही प्रकार की फसल बार बार लगाने से उसमें कीटों का आक्रमण ज़्यादा होने लगता है, तो हम कुछ समय के लिए 1-2 साल के लिए उस फसल को वहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है प्लॉइंग और डीप प्लॉइंग, यानी कि घर ग्रीष्म जो ऋतु होती है गर्मी के मौसम में अगर बहुत जो है मिट्टी पलट जो हल होता है उसका इस्तेमाल करके बहुत गहराई से अगर हम जुताई कर देंगे तो बहुत सारे कीट के जो लार्वा होते हैं या वो जो प्यूपा होते हैं वो गर्मी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो है वो डीप प्लॉइंग यहाँ हो सकती है। फिर बात करेंगे सोइंग के टाइम में परिवर्तन, बुआई का जो समय है अगर उसको आगे पीछे कर दिया जाए तो कीट की जो जनसंख्या जिस टाइम पे ज़्यादा वो नुकसान करती है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। फिर बात करेंगे ट्रैप क्रॉप, और ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है ऐसी फसल लगा देना जो किसी पर्टिकुलर कीट को अट्रैक्ट कर लेती हो और मुख्य फसल को बचा देती हो। तो ट्रैप क्रॉप के रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि कपास के आसपास भिंडी लगा दी जाती है, सोयाबीन के आसपास कैस्टर या अरंडी लगा दी जाती है, और गोभी वर्ग की जो फसलें हमारी फूल गोभी और पत्ता गोभी उसके आसपास मस्टर्ड यानी कि सरसों को लगाते थे, गन्ने के आसपास पटसन को लगा देते हैं, और टमाटर के अंदर रूट नोट नेमाटोड को अगर कंट्रोल करना है तो मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रैप क्रॉप्स कहलाती है। यहाँ पर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कपास के आसपास कौन सी ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है, तो कपास के आसपास ओकरा यानी कि भिंडी लगाई जाती है, शुगर केन के आसपास पटसन या मेस्टा को लगाते हैं, कोल क्रॉप की बात करें फूल गोभी पत्ता गोभी में तो सरसों को लगाया जाता है, और अगर सोयाबीन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर कैस्टर यानी अरंडी लगाई जाती है, और टमाटर की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर मेरीगोल्ड को लगाया जाता है। तो ये ट्रैप क्रॉप भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर बात करेंगे वैरायटियाँ, तो बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो रेसिस्टेंट वैरायटी आती है, प्रतिरोधी किस्में आती है, और उनको अगर लगाएंगे तो उस वैरायटी के ऊपर फिर उस प्रकार की जो कीट जो उस वैरायटी के ऊपर लगना चाहिए वो नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोधी जो किस्में हैं वो कई प्रकार की वैरायटी अलग अलग फसलों में आजकल अवेलेबल है जिनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो कीट है उसके आक्रमण से बचाया जा सकता है। और क्लीन कल्टीवेशन यानी कि साफ सफाई, अक्सर फसल के जो अवशेष खेत में रह जाते हैं उन अवशेष में उनके जो प्यूपा अवस्था जो है वो छुपी हुई रहती है, डोरमेंट स्टेज जो होती है डायपॉज जिसको हम कहते हैं, वो जो कि 2 प्रकार की डोरमेंसी इनमें पाई जाती है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। तो गर्मी में अगर वो ग्रीष्म ऋतु में अगर वो निष्क्रिय अवस्था में चले गए जिसको एस्टिवेशन कहते हैं, और विंटर स्लीप या शीत ऋतु में अगर वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये जो निष्क्रिय अवस्था होती है वो फसल के अवशेष के अंदर होती है, अगर हम फसल के अवशेष को नष्ट कर देंगे तो वो इंसेक्ट कंट्रोल की जो मेथड्स है वो यहाँ पर सारी हम कल्चरल मेथड्स में उनको हम शामिल करेंगे। जब बात करेंगे फिजिकल मेथड, तो फिजिकल मेथड मतलब आसपास का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे हम, तो बाहरी वातावरण में परिवर्तन करके अपन कीट का कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड है फिजिकल के अंदर। भौतिक नियंत्रण में अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर को बढ़ा देना, और टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं तो आपने देखा होगा कि खास करके अनाज जब हम गोडाउन में या घरों में जब भंडारण करके रखते हैं अपन, तो उसको उसकी नमी को कम कर दिया जाता है, तो अगर मॉइस्चर अगर कम हो जाएगा उसके अंदर तो उसमें जो कीट है उसका आक्रमण कम होता है। इसीलिए जो अनाज वाली फसलें हैं हमारी उनको 10-12% मॉइस्चर पे स्टोरेज
किया जाता है, जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उसको 6 से 8% पे, और जो पल्सेस क्रॉप दाल वाली फसलें उनको 8 से 10% नमी पर भंडारित करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा और ज़्यादा तापमान से उनकी तो नमी को हम कम कर सकते हैं, तो टेम्परेचर हाई कर देंगे तो उसमें मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, ड्राइंग यानी कि सन ड्राइंग, सूर्य की धूप में भी हम फसलों को सुखा सकते हैं। विकिरण के द्वारा हम स्टोरेज पेस्ट का भी कंट्रोल कर सकते हैं, भंडारण के जो कीट हैं उनको, स्टोरेज पेस्ट को हम लोग सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और फ्लेम यानी कि ज्वाला या आग लगा करके हम कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा करके रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा, फ्लेम यानी ज्वाला के द्वारा, और मॉइस्चर यानी कि पानी की मात्रा को कम करके भी अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको फिजिकल कंट्रोल के अंदर रखा जाएगा। जब हम बात करेंगे कि मैकेनिकल कंट्रोल या यांत्रिक नियंत्रण क्या होता है, तो मैकेनिकल कंट्रोल में हम लोग हाथों के द्वारा चलाई जाने वाली जो मशीनें होती है या कुछ ऐसे यंत्र है जिनका इस्तेमाल करके कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैंड पिकिंग यानी कि अगर मान लीजिए फसल के अंदर हमें कुछ फलों के अंदर इंसेक्ट के होने की चांस लग रहे हैं कि इसमें कीड़ा हो सकता है, या बॉलवर्म की हम बात करें कपास की, तो बॉल के अंदर अगर इंसेक्ट है तो हम हाथों से बिन करके या चुन करके उनको नष्ट कर सकते हैं, तो हैंड पिकिंग है। दूसरा है शेकिंग। शेकिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम जिस पेड़ के ऊपर हमें इंसेक्ट होने के, जिस शाखा के ऊपर इंसेक्ट होने के या लार्वा के होने के चांसेस लग रहे हैं, हम उस पेड़ को अगर हिला देंगे उसकी डाली को मशीन की तरह, मशीन का इस्तेमाल करके, या हाथों से अगर उसकी पेड़ को हम हिला देते, डालियों को हिला देते, तो लार्वा या जो उनके प्यूपा वगैरह है वो नीचे झड़ जाते, नीचे गिर जाते, तो उसको हम लोग बोलेंगे शेकिंग। बेंडिंग में अगर तने के चारों ओर अगर हम कोई बैंड लगा दें, चिची पे अगर बैंड लगा देते हैं, और रेंगने वाले जो कीड़े हैं उनको कंट्रोल हम बेंडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके बाद है नेटिंग, तो जो ग्रीन हाउस या पोली हाउस के अंदर जो फसल लगाई जाती है वहाँ पर इंसेक्ट का कंट्रोल करने के लिए नेट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन नेट के अंदर फसलें लगाई जाती है। और व्रैपिंग का मतलब होता है फल को किसी कवर से ढक देना ताकि उसके अंदर इंसेक्ट जो है वो अटैक नहीं कर पाए, तो ढकने की जो क्रिया होती है फलों को ढकना वो व्रैपिंग कहलाता है। और ट्रैप्स में हम बात करेंगे तो प्रपंच की बात करें तो लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जाता है, फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जाता है, स्टिकी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो रात्रि में जो कीट निकलते हैं नॉक्टर्नल इंसेक्ट, उसके लिए लाइट ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो प्रकाश प्रपंच होता है लाइट ट्रैप, वो किस प्रकार के कीट का कंट्रोल करता है, तो नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिचर कीटों का नियंत्रण करता है, और लाइट ट्रैप जो है वो पर्टिकुलरली मेल इंसेक्ट का कंट्रोल कर, सॉरी मेल और फीमेल दोनों को कंट्रोल करता है लाइट ट्रैप। तो लाइट ट्रैप में नर और मादा दोनों प्रकार के कीट का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन अगर फेरोमोन ट्रैप की बात आती है कि फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो किस प्रकार के इंसेक्ट का कंट्रोल करता है, तो फेरोमोन एक हार्मोन होता है जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हार्मोन होता है और जो फीमेल इंसेक्ट के द्वारा छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप की अगर बात करेंगे तो वो मेल इंसेक्ट का कंट्रोल करता है, तो नर कीटों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन जो हार्मोन है मादा द्वारा छोड़ा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल होता है और वो मेल इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए होता है। और चिपचिपा अगर प्रपंच स्टिकी ट्रैप हम तने के आसपास अगर लगा देते हैं तो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं उनका कंट्रोल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रकाश प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल या फिर चिपचिपी प्रपंच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्लडिंग यानी कि खेत में पानी भर देना, और खेत में अगर पानी भर देंगे जो सोइल इंसेक्ट होंगे, खास करके चने के अंदर अगर कटवाली की बात करेंगे हम, या फिर जो सोइल इंसेक्ट दीमक की बात करें, टर्माइट की बात करें, जो मिट्टी के अंदर छुप के रहते हैं, तो इनका कंट्रोल करने के लिए फ्लडिंग कर सकते हैं। और ट्रेंचिंग मतलब खाई खोदना, तो बहुत सारे जो ग्रास ओपर वगैरह हैं या फिर जो आर्मी वर्म है इनका कंट्रोल करने के लिए खेत के आसपास दो खेतों के बीच में हम लोग खाई खोद कर उसके अंदर पानी भर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स है ये मैकेनिकल मेथड्स कहलाती है, यांत्रिक विधियाँ कहलाती है। और यहाँ पर बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल की, जैविक नियंत्रण की, तो यहाँ पर जो बायो एजेंट्स होते हैं उसमें चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, सूक्ष्म जीवों की बात करें, इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोवा आ सकता है, उसके बाद में यहाँ पर नेमाटोड आ सकता है, माइट्स आ सकती है, स्पाइडर आ सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर परजीवी यानी पैरासाइट और परभक्षी यानी कि प्रेडेटर का इस्तेमाल करके जब कंट्रोल किया जाता है उसको जैविक नियंत्रण कहते हैं। और अंत में है केमिकल यानी कि रासायनिक विधि, तो सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो केमिकल्स जो है, रसायन, उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तमाम प्रकार की जो विधियाँ हैं ये इंसेक्ट कंट्रोल में उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम पूछे हुए हैं, तो उसके अगर हम बात करें तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इको फ्रेंडली मेथड का नाम बताइए जिसमें पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो कल्चरल मेथड होती है इसको हम इको फ्रेंडली मेथड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि
कि अब जब किसी कीट का कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रपंच यानी कि ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लाइट ट्रैप हो, चाहे वो फेरोमोन ट्रैप हो, चाहे वो स्टिंग ट्रैप हो, तो वो किस प्रकार का कंट्रोल कहलाता है? तो प्रपंच का इस्तेमाल करना, ट्रैप का इस्तेमाल करना जो मैकेनिकल जो है मेथड से इसके अंतर्गत आता है। यहाँ क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर धूप में हम अनाज को सूखा करके फिर गोडाउन में रख रहे हैं तो वहाँ पर धूप में सुखाने से हाई टेम्परेचर में बहुत सारे जो लार्वा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मॉइस्चर जब कम हो जाता है तो वो अटैक नहीं कर पाते। तो ये इस प्रकार से धूप में सुखाना किस प्रकार कंट्रोल कहलाएगा? तो हम बोलेंगे वो फिजिकल कंट्रोल कहलाएगा। और अगर पैरासाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेडेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, परभक्षियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कौन सा कंट्रोल कहलाएगा? तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा। और एक और कंट्रोल की हम बात करते हैं जिसको लीगल कंट्रोल भी कहते हैं। और लीगल कंट्रोल में अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में कोई भी इंसेक्ट जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, क्वारंटाइन एक्ट की जब हम बात करेंगे, संगरोध कानून की जब हम बात करेंगे, तो उसको लीगल एक्ट के लीगल कंट्रोल कहते हैं। और यहाँ पर आपने DIPA डिपा एक्ट पढ़ा होगा जो 1914 में 1914 में पास किया गया था। और क्वारंटाइन के तहत एक देश से दूसरे देश में कीटों को फैलने से किस प्रकार से रोका जाता है, तो यहाँ से लीगल कंट्रोल के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर वो आ रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर। तो अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसमें किन प्रकार के बायो एजेंट्स का इस्तेमाल एंटोमोलॉजी में कीट नियंत्रण के किया जाता है। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं बायो कंट्रोल के बारे में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर, इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर, बायो कंट्रोल या जैविक नियंत्रण की जब बात की जाती है तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बायो एजेंट के नाम बताइए या बायो कंट्रोल जब किया जाता है इंसेक्ट का या कीटों का जैविक नियंत्रण किया जाता है, तो जैविक नियंत्रण में कौन से नेमाटोड का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से स्पाइडर, कौन सी माइट या मकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से प्रोटोजोवा का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से कीट हैं जो जैविक नियंत्रण में काम आते हैं, कौन कौन सी फंगस है, फंगस से तैयार किए जाने वाले कौन कौन से कीटनाशी है, बैक्टीरिया से तैयार किए जाने वाले कौन कौन से कीटनाशी है, कौन कौन से वायरस का इस्तेमाल यहाँ पर कीट नियंत्रण में करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे तमाम जो एजेंट हैं जो जैविक नियंत्रण में काम आते हैं उनके नाम क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बनाई है जिसमें एक नाम दिया है नेमाटोड का, एक नाम स्पाइडर का है, माइट्स का है, इंसेक्ट में कौन कौन है, प्रोटोजोवा की बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे, फंगस और हम वायरस की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि DD136 ये क्या होता है। तो DD136 एक नेमाटोड का नाम है और ये DD136 के बारे में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो जैविक नियंत्रण में बायो कंट्रोल में प्रयोग में लाया जाने वाला DD136 या DD136 जो एक जैविक कारक है ये क्या होता है। तो हम कहें ये एक नेमाटोड या एक एस्कहेलमिंथस का नाम है। और एक स्पाइडर की अगर बात करें कि वो कौन सी स्पाइडर है जिसका इस्तेमाल बायो कंट्रोल में किया जा सकता है, तो यहाँ पर नाम दिया है क्लू बायोना। तो क्लू बायोना एक स्पाइडर है जिसका इस्तेमाल जैविक नियंत्रण में करते हैं। माइट की अगर बात की जाए तो माइट में एंट्रोम्बाइडियम, और एंट्रोम्बाइडियम एक माइट है जिसका इस्तेमाल कीट नियंत्रण में किया जाता है। इंसेक्ट की बात करें कीटों में तो बहुत सारे कीट के नाम अपन शायद पढ़े होंगे जो जैविक शत्रु कहलाते हैं यहाँ पर। तो प्रेइंग मेंटिस का नाम है, लेस विंग है, टाइगर बीटल है, लेडी बर्ड बीटल है और ट्राइकोग्रामा। इस प्रकार से ये कुछ कीट है जो कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आते हैं। और प्रोटोजोवा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक नाम दिया ग्लूजिया पायरोस्टी, और ग्लूजिया पायरोस्टी जो है एक प्रोटोजोवा का नाम है जो कि कीट नियंत्रण में काम में लाया जाता है। और बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले ऐसे कौन कौन से केमिकल है तो हम बात करेंगे बीटी बेस्ड वाले, थ्यूरीसाइड, डाइपेल, हाल्ट, डेल्फिन, स्पाइक्यूरिन और बायोलेप। तो ये सारे जो नाम हैं ये बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। फंगस की अगर हम बात करेंगे तो एफ्लाटॉक्सिन, फिर ब्यू वेराइसिन, डेस्ट्रक्सिन, वर्टिसिलियम और न्यूमोरी। तो ये जो नाम बताए मैंने ये सब फंगस से प्राप्त होते हैं। और वायरस की अगर बात करें तो NPV, और NPV के बाद NPV का अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, और एक होता है GV, तो GV का नाम है ग्रेनुलोसिस वायरस। तो इस प्रकार से एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि वो कौन कौन से वायरस है जिनका इस्तेमाल जैविक कीट नियंत्रण में किया जाता है, फंगस से प्राप्त होने वाले कौन कौन से केमिकल है, बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले कौन कौन से केमिकल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है अब इस लिस्ट के आगे हमें ये देखना है कि जो फंगस है इन फंगस से प्राप्त होने वाले जो केमिकल हैं इनके मार्केट में ट्रेड नेम और क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इनका उपयोग कौन से इंसेक्ट या कौन से कीट के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया से जो बीटी बेस्ड अपन ने पढ़ाई है कि जो बेसिलस थोरेनजेनेसिस बीटी बेस्ड जो होते हैं
ये लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं, खास करके कॉटन के अंदर जो बॉल वर्म है उसका कंट्रोल करने के लिए बीटी बेस्ड जो है इंसेक्टिसाइड जो है वो तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ये जो बायो एजेंट है जिनके नाम हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखे हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन आएगा, फंगस में कौन कौन आएगा, इनका इस्तेमाल कौन से कीट के लिए किया जाता है, अभी हम इसके बाद ये चीज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेमाटोड के अंदर जो DD136 जो है ये मार्केट में किस नाम से बेचा जाता है, और ये देखा जाए तो एक नेमाटोड और एक बैक्टीरिया का मिक्सचर है। तो एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि DD136 जो है वो किन किन से मिलकर बनाया गया है, तो ये नेमाटोड और बैक्टीरिया का मिक्सचर है नंबर एक, और ये मार्केट के अंदर ग्रीन कमांडो और सोइल कमांडो के नाम से प्रयोग में लाया जाता है। अगर ये मिट्टी के अंदर रहने वाले इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहा है सोइल इंसेक्ट के लिए तो वो सोइल कमांडो कहलाएगा, और अगर ये लीफ या पत्तियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है तो उसको ग्रीन कमांडो कहते हैं। और यहाँ पर अगर नेमाटोड की हम बात करें तो नेमाटोड अगर एग्रीकल्चर में इंसेक्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं तो जो नेमाटोड होते हैं ये नेमाटा हेलमेंथिस या एस्क हेलमेंथिस ग्रुप में आते हैं, और अगर नेमाटोड एग्रीकल्चर में इंसेक्ट कंट्रोल में इस्तेमाल में लाया जाता है तो उसको EPN कहा जाता है, और EPN का फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एंटामो पैथोजेनिक नेमाटोड इसका फुल फॉर्म होता है। तो एंटामो पैथोजेनिक नेमाटोड वो नेमाटोड होते हैं जो कि इंसेक्ट कंट्रोल में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और यहाँ पर DD136 बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। उसका सबसे पहले इस्तेमाल पेडी फील्ड यानी कि धान के खेत में किया गया था, उसके बाद बहुत सारे जो बॉल वर्म है और जो कैटरपिलर है और शूट बोरर जो होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जो नेमाटोड DD136 है ये कौन कौन से कीट के कंट्रोल के लिए काम आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉल वर्म के लिए और अदर जो बोरर्स है उनके लिए, और जो शूट बोरर होता है उसके लिए इस्तेमाल लाया जाता है। पेडी फील्ड धान के खेत में इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो नेमाटोड के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन DD136 के ऊपर बन सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी फंगस है जिनका इस्तेमाल इंसेक्ट कंट्रोल में किया जा रहा है। साथियों अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फंगस है जिनका इस्तेमाल इंसेक्ट कंट्रोल में किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नाम दिया है वर्टिसिलियम, और वर्टिसिलियम जो फंगस होता है इसका इस्तेमाल सकिंग पेस्ट यानी कि जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं खास करके एफिड जेसिड थ्रिप्स या फिर व्हाइट फ्लाई इनके कंट्रोल के लिए वर्टिसिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट दिया है फंगस का नाम मेटराइजियम, और जो मेटराइजियम होता है इसका इस्तेमाल टर्माइट के लिए और वाइट ग्रब के लिए, और ये दोनों जो है वो सोइल के अंदर रहने वाले इंसेक्ट होते हैं, और लोकस्ट यानी कि टिड्डी और ग्रास होपर यानी कि टिड्डा इनके कंट्रोल के लिए मेटराइजियम का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो ब्यूवेरिया जो फंगस होती है इसका इस्तेमाल किस प्रकार के कीट के लिए करते हैं, तो जो ब्यूवेरिया फंगस है ये लेपिडोप्टेरियन पेस्ट खास करके जो बोलवर्म होते हैं वो और कॉलियोप्टेरियन पेस्ट जिसमें बीटल वगैरह आते हैं भृंग आते हैं उनके लिए किया जाता है। और नोमेरी जो फंगस होती है तो नोमेरी फंगस जो होती है वो हेलिकवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकवर्पा आर्मीजेरा यानी कि कपास का जो अमेरिकन बोलवर्म होता है और उसी को चेन्नई में हम लोग पोर्ट बोरर कहते हैं, तो जो हेलिकवर्पा इंसेक्ट होता है उसके लिए नोमेरिया फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में है पेडोरा फंगस जो होती है उसका इस्तेमाल काई के लिए, तो जो लीफ होपर है पत्ती के जो फुदके हैं खास करके धान के हम अगर बात करें तो ग्रीन लीफ होपर और ब्राउन लीफ होपर यानी कि पत्ती का हरा फुदका और भूरा फुदका, तो लीफ होपर के लिए पेंडोरा नामक फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। तो परीक्षा में फंगस के नाम भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये फंगस कौन से कीट को टारगेट करके जो है वो बनाए गए हैं या इनका इस्तेमाल कौन से कीट के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरियाओं से प्राप्त होने वाले ऐसे कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है जिनका इस्तेमाल अलग अलग कीट के लिए किया जाता है। साथियों अब हम बात करने वाले हैं कि बीटी बेस्ड या बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले ऐसे कौन कौन से बायो इंसेक्टिसाइड है जिनका इस्तेमाल अलग अलग कीट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें कुछ बीटी बेस्ड जो है, और बीटी बेस्ड में बीटी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो बेसिलस थोरेंजेनेसिस होता है, तो इससे प्राप्त होने वाले ऐसे कौन कौन से बायो इंसेक्टिसाइड है, तो थ्यूरीसाइड का जो इस्तेमाल होता है ये शुगर केन में गुरदासपुर बोरर या गुरदासपुर भेदक के लिए किया जाता है। और डाइपेल की अगर बात की तो डाइपेल का इस्तेमाल पोर्ट बोरर और पोर्ट बोरर जो होता है वो चने में बंगाल ग्राम में लगता है, हेलिकवर्पा आर्मीजेरा उसके लिए डाइपेल का इस्तेमाल किया जाता है। और हाल्ट की अगर बात करें तो ये DBM यानी कि डायमंड बेक मोथ प्लूटेला ज़ाइलोस्टेरा जिसका साइंटिफिक नेम होता है, तो DBM के लिए हाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलेब जो होता है ये बोलवर्म, और बोलवर्म कॉटन के अंदर तीन प्रकार के जो बोलवर्म है, अमेरिकन बोलवर्म,
और पिंक बॉलवर्म और स्पॉटेड बॉलवर्म, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल बायोलैब का किया जाता है। और डेल्फिन की बात कीजिए तो डेल्फिन जो है वो बॉलवर्म के लिए भी काम आता है, डीबीएम डायमंड बेक मोथ के लिए भी काम आता है, और टोबेको कैटरपिलर स्पोडोप्टेरा लिटुरा उसके लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। और अंत में स्पाइक ट्यूरिन जो है ये भी बॉलवर्म, डीबीएम और टोबेको कैटरपिलर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जो लेपिडोप्टेरा पेस्ट है, चूंकि ये जो बीटी बेस्ड वाले हैं ये लेपिडोप्टेरा के पेस्ट के लिए ही बनाया गया है। और एग्जाम में ऐसा एक बार क्वेश्चन आया है कि लेपिडोप्टेरा पेस्ट का कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार का बायोइंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे कि जो बीटी बेस्ड है या बेसिलस थ्योरेंजेनेसिस से जो बनाए गए जो बायोइंसेक्टिसाइड है इनका इस्तेमाल मोस्ट जो है वो लेपिडोप्टेरा पेस्ट के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल कौन कौन से कीट में किया जाता है ये भी हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा अभी हम बात करने वाले हैं कि दो ऐसे जो वायरस हैं उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर इंसेक्ट कंट्रोल में किया जाता है, तो वो कौन कौन से वायरस हैं की जाए तो वायरस के अंदर एनपीवी यानी कि न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये हेलिकवर्पा और स्पोडोप्टेरा लिटुरा यानी कि टोबेको कैटरपिलर और अमेरिकन जो बॉलवर्म होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जीवी यानी कि ग्रेनुलोसिस वायरस की अगर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल इंडियन मिल मोथ के लिए भी किया जाता है, पोटेटो ट्यूबर मोथ के लिए भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल शूट बोरर के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों वायरस हैं एनपीवी और जीवी ये दोनों पर्टिकुलरली लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उन्हीं के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको इन दोनों वायरस के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वायरस के अलावा अगर बात की जाए तो प्लांट ओरिजिन के जो इनसे इंसेक्टिसाइड हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि प्लांट से कौन कौन से इंसेक्टिसाइड जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। साथियों प्लांट ओरिजिन के अगर हम बात करेंगे तो पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ इंसेक्टिसाइड या कुछ कीटनाशक जो हैं वो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि निकोटीन सल्फेट जो होता है, तो निकोटीन सल्फेट जो होता है वो निकोटीना टोबैको यानी कि तंबाकू के पौधे से प्राप्त होता है। और पायरेथ्रम जो होता है वो क्राइजेंथेमम यानी कि गुलदाउदी के फूलों से प्राप्त होने वाला एक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल मच्छर के लिए या मॉस्किटो के लिए किया जाता है। स्पेशली रोटेनन जो होता है वो डेरिस के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और अगर बात की जाए कि एजाडायरेक्टिन, तो एजाडायरेक्टिन जो होता है वो एजाडायरेक्टा इंडिका यानी कि नीम से प्राप्त किया जाता है, और ये मार्गोसाइट के नाम से भी मार्केट में मिलता है। और अगर हम बात करें चाइना बेरी की, तो चाइना बेरी, उसके बाद पोंगम, पोंगम जो होता है ये पोंगम या पिनटा यानी कि करंज जो होता है उसके ऑयल से प्राप्त किया जाता है। और कस्टर्ड एप्पल सीड एक्सट्रैक्ट यानी कि सीताफल के जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर इंसेक्ट कंट्रोल में किया जाता है। उसके बाद में एन एस के ई मतलब नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, तो इस प्रकार से नीम के जो बीज होते हैं उनका अगर एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, या कस्टर्ड एप्पल जो होता है सीताफल के बीज उसका भी अगर एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, या फिर पोंगामिया यानी कि जो करंज होते हैं उसका जो ऑयल होता है उसको भी अगर हम फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये एंटीफिडेंट का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इन प्लांट के बारे में पूछा सकता है कि प्लांट से प्राप्त होने वाले ऐसे कौन कौन से केमिकल है या ऐसे कौन कौन से बायो इंसेक्टिसाइड है जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जैविक नियंत्रण या बायो कंट्रोल के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो एजेंट्स पड़े हैं और अलग अलग जो केमिकल्स पड़े हैं इनके ऊपर एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बायो कंट्रोल की हमने बात की है ये आपको समझ में आई होगी। नाम दिए गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं केमिकल कंट्रोल जो होता है रासायनिक नियंत्रण, सबसे पहले अगर केमिकल की हम बात करेंगे तो पेरिस ग्रीन का इस्तेमाल किया गया था, और पहला प्रयुक्त किया गया कीटनाशक था पेरिस ग्रीन, वो कोलोराडो पोटेटो बीटल यानी कि आलू के बीटल के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। तो फर्स्ट यूज्ड इंसेक्टिसाइड की अगर बात करेंगे तो पेरिस ग्रीन जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में फिर डीडीटी और बीएससी का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पर बात करेंगे कि स्टमक या उदर विष किसे कहते हैं, तो स्टमक पॉइजन या उदर विष का मतलब ये होता है कि जब दवाई जो होती है कीटनाशक जो होता है वो कीट के शरीर में उसके पेट में जाने के बाद अपना असर दिखाता है, और कीट जब किसी वजह से फसल की पत्तियां खा लेता है या फिर फलियों को खा जाता है तो जो दवाई होती है वो उसके पेट में जाने के बाद उस कीट को मार देती है। तो यहाँ पर जो चबाने वाले जो कीट होते हैं, चेविंग वाले, काटने और चबाने वाले जिनके मुखांग होते हैं उनके लिए स्टमक पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी जो बोरर्स वगैरह होते हैं लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट होते हैं जिनके काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं उनके लिए स्टमक पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है सिस्टमिक पॉइजन या स्थानांतरित विष, और सिस्टमिक पॉइजन जनरली सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसने वाले कीटों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि
सकिंग पेस्ट जो होते हैं जिसमें एफिड या जेसिड वगैरह या थ्रिप्स वगैरह जो आते हैं, ये पत्तियों की निचली सतह पर जो है बैठ करके रस चूसते हैं। तो कई बार हम जब स्प्रे करते हैं तो ऊपर की पत्तियों पर दवाई जो है वो गिरती है और नीचे की पत्तियां जो है वो रह जाती है, लेकिन अगर सिस्टमिक पॉइजन है तो वो पूरे पौधे में फैल जाते हैं और पूरे पौधे में फैल जाएगा। तो फिर पत्ती के किसी भी हिस्से पे अगर कोई कीट बैठा है, नीचे की पत्ती में भी अगर बैठा होगा, तो उसका कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। तो ये रस चूसने वाले जो कीट होते हैं सकिंग पेस्ट, उसके लिए सिस्टमिक पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉन्टैक्ट पॉइजन वो होते हैं जो संपर्क में आने पर ही अपना असर दिखा देते हैं। तो जब हम इन दवाई का स्प्रे कर देते हैं और ये फसल के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर जब दवाई जो है वो गिरी हुई होती है और कीट जब उनके संपर्क में आता है, तो उनके श्वसन तंत्र के माध्यम से, यानी कि स्पाइकल्स के माध्यम से, क्यूटिकल के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, ये जो जहर होता है ये उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और कीट जैसे ही उस जहर के संपर्क में आएगा, विष के संपर्क में आएगा, उसके अंदर जो है विष है वो चला जाएगा और कीटों का कंट्रोल हो जाता है। और बात करके फ्यूमिगेंट्स की या धूम्रक की, तो फ्यूमिगेंट्स जनरली स्टोरेज पेस्ट के लिए या हिडन पेस्ट, जो छुपे हुए कीट होते हैं, जैसे गोडाउन की बात करें तो गोडाउन के अंदर जो दरारें वगैरह होती, दीवारें जो है, या जो हमने बहुत सारे जो बैग्स या बोरियां रखी होती है, उनके अंदर अगर कीट छुपे हुए, जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, दवाई हम स्प्रे नहीं कर पाते, वहां पर छुपे हुए कीटों को नष्ट करने के लिए फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से केमिकल कंट्रोल की बात करते, जो टेक्निकल टर्म है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सकिंग पेस्ट का जब कंट्रोल करना होता है तो किस प्रकार का पॉइजन जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सकिंग पेस्ट के लिए पियर्सिंग और सकिंग, यानी कि चुभाने और चूसने वाले अगर उनके मुखांगे, तो सिस्टमिक जो है पॉइजन वो इस्तेमाल में लाते हैं। और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का सबसे फेमस अगर हम नाम देखें तो कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोपिड, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो कॉन्फिडोर या जो इमिडाक्लोपिड जो दवाई होती है वो सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। और स्टमक पॉइजन और कॉन्टेक्ट पॉइजन की तो बहुत बड़ी श्रृंखला जो है वो मार्केट में खैर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर खाने की आदत काटने और चबाने वाली है, चेविंग टाइप का है, अगर वो कीट है, तो उसके लिए हमें स्टमक पॉइजन का इस्तेमाल करना है। स्टोरेज की अगर पेस्ट है, छुपे हुए कीट है, वो डायरेक्ट वहाँ पर दवाई नहीं जा रही है, तो उसके लिए फ्यूमिगेंट का इस्तेमाल करना है। तो ये आज हम लोगों ने इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर कुछ केमिकल कंट्रोल की बात करी है, कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करी जिसमें अलग अलग बायोजेंट्स का इस्तेमाल किया है, कल्चरल कंट्रोल की बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर आज हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है ये आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं वो जेनेटिक्स के ऊपर मैं आपको अभी वीडियो जो है वो अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, और बाकी के वीडियो के लिए और आगे और भी जो चीज़ें हम लोग आपको आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करें सच सपनों को।